उदाहरण 27 हल कीजिए। दिया गया अवकल समीकरण है x इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर है x क्यूब इंटू वाई की पावर 6। तो हम देखते हैं कि दिया गया समीकरण बर्नौली समीकरण का रूप है, अर्थात हमें इसके दोनों पक्षों में x इंटू वाई की पावर 6 का भाग लगाना है। तो दोनों पक्षों में x इंटू वाई की पावर 6 का भाग लगाने पर हमें क्या मिलता है? यहां x तो इस x से कैंसिल हो जाएगा, 1/y6 dy बाई डी एक्स प्लस 1/y5 इंटू 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, यह हमें प्राप्त होता है। अब हम 1/y5 को v के बराबर मान लेते हैं, तो इससे क्या अभिप्राय होगा? y-5 बराबर है v। दोनों पक्षों में अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? -5y-5 -1 इंटू डीवाई बाई डी एक्स बराबर डीवी बाई डी टी हो डी एक्स होगा। यह प्राप्त करते हैं, अर्थात -5/y-6 dy बाई डी एक्स बराबर डीवी बाई डी एक्स के, जो हमें क्या देता है? 1/y6 dy बाई डी एक्स बराबर -1/5 डीवी बाई डी एक्स के है। यह मान हम यहां इस समीकरण में रख देते हैं, तो रखने से क्या आ जाएगा? इसलिए -1/5 डीवी बाई डी एक्स, ये तो हमने 1/y6 डीवाई बाई डी एक्स का मान रख दिया, प्लस y5 1/v के बराबर है, तो ये मान कितना हो गया? v/x बराबर एक्स स्क्वायर। 5 से हम पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि हम -5 से कर देते हैं, तो ये हो गया dv/dx -5v/x बराबर -5x2। ये हमें समीकरण प्राप्त होता है जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है, इसका रूप क्या है? ये dy/dx प्लस py बराबर क्यू, इस रूप का समीकरण है। यहां y के स्थान पर v रखा हुआ है, तो हम p और q के मान लिख लेते हैं। p बराबर हमारा क्या हो गया? p बराबर तो हमारा है -5/x और q बराबर हमारा है -5x2। E का मान तो हमारा -5/x है, Q का मान -5x2 के बराबर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e^ इंटीग्रल pdx, मान कितना हो गया? e^ इंटीग्रल -5/x dx के, ये मान हो गया e^-5 log x, जिसको हम लिख सकते हैं e^log x^-5, अर्थात मान हो गया x^-5 जो कि 1/x^5 के बराबर है। यह हमें प्राप्त होता है। अब हल निकालते हैं, तो इसलिए समीकरण का हल होगा v इंटू, क्योंकि यहां v है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q, q
क्यू हमारा कितना है माइनस पांच एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर पांच डीएक्स प्लस सी, ये हमें मिलता है। ये हमारा क्यू का मान है माइनस पांच एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक बटा एक्स की पावर पांच डीएक्स प्लस सी, ये हमारा हल होगा। वी का मान हमने रख दिया, वी हमारा क्या है एक बटा वाई की पावर पांच, तो दिस इंप्लाइज एक बटा वाई की पावर पांच इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दें, यह है एक बटा एक्स की पावर पांच, ये बराबर हो गया माइनस पांच एक्स की पावर माइनस तीन डीएक्स प्लस सी के। माइनस पांच एक्स की पावर माइनस तीन का समाकलन क्या हो गया, ये हो गया एक्स की पावर माइनस दो बटे माइनस दो प्लस सी, ये हमें प्राप्त होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको सरल कर ले पहले, ये हो गया पांच बटा दो एक बटा एक्स की पावर दो प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इंप्लाइज एक बटा वाई की पावर पांच को तो हमने लिख दिया वाई की पावर माइनस पांच, एक्स की पावर पांच का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पांच बटा दो एक्स की पावर पांच बटा एक्स की पावर दो, ये हो गया एक्स की पावर तीन प्लस सी इंटू एक्स की पावर पांच, ये हमें अभिष्ट हल मिलता है। वाई की पावर माइनस पांच बराबर पांच बटा दो इंटू एक्स क्यूब प्लस सी इंटू एक्स की पावर पांच, यही अभिष्ट हल है।